जो काम रूस और जापान जैसे सुपर पावर देश भी नहीं कर पाए उसे भारत ने करके दिखा दिया है। दरअसल हाल ही में आई इस खबर ने टहलका मचा दिया है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताकतवर देश बन चुका है, और रिपोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है कि जापान और रूस जैसे पावरफुल देश भारत से पीछे जा चुके हैं। और देखा जाए तो दुनिया भर में इस समय लगभग 195 देश हैं, और ऐसे में तीसरे स्थान पर भारत की पोजीशन आना वाकई में दुनिया के कई अफ्रीकी और यूरोपीय देशों के लिए चौंकाने वाली खबर है। और खासकर एशिया की बात की जाए तो चीन की नींद उड़ाने के लिए यह काफी है कि भारत मिलिट्री पावर के मामले में चीन की बराबरी करने के लिए उतर आया है, और चीन को इस बात की चिंता सताने लगी है कि भले ही वह क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से काफी बड़ा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने जिस तेजी के साथ अपने मिलिट्री पावर को इम्प्रूव किया है उससे चीन भारत के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। हम इस वीडियो में इस खबर को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारत की शानदार जीत के लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से भारत अपनी मिलिट्री पावर के इंप्रूवमेंट पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन दिन पर दिन भारत के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि चीन न सिर्फ मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इन देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, ताकि इन देशों के माध्यम से चीन भारत को घेर सके और भविष्य में भारत के चारों तरफ चीन का ही दबदबा रहे। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि चीन हरगिज नहीं चाहता कि भारत जैसा देश जो तेजी के साथ डेवलपमेंट कर रहा है वह एशिया में रहकर चीन जैसे देश को सीधी चुनौती दे, लेकिन चीन शायद यह भूल चुका था कि अब भारत पुराना भारत नहीं रह गया, बल्कि अब भारत ने अपनी पुरानी रणनीतियों को बदलना शुरू कर दिया है और कूटनीतिक तरीके से अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। और किसी भी देश को अपनी मिलिट्री पावर मजबूत करने के लिए केवल आर्मी और नेवी सेना ही कैपेबल नहीं है, बल्कि आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस डिफेंस हथियार, जिसमें पावरफुल मिसाइल्स, एडवांस्ड फाइटर जेट और लेटेस्ट वर्जन वाली एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ लॉन्ग रेंज वाले टिकाऊ टैंक्स की भी जरूरत है। और भारत ने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए इन तरीकों को ऐसे कूटनीतिक कदम के साथ इस्तेमाल किया कि सुपर पावर देशों को भनक भी नहीं लग पाई कि भारत साल 2024 तक अपनी मिलिट्री पावर को इतना ज्यादा मजबूत कर चुका है। लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल पावर शोधकर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट ने जब एशिया पावर इंडेक्स को पब्लिश किया तो उसमें जो रिपोर्ट लिखी गई थी उसे देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ देखने को मिला कि जो भारत मिलिट्री पावर के मामले में जापान और रूस से पीछे हुआ करता था वही भारत इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और साथ ही रूस और जापान जैसे सुपर पावर देश को ओवरटेक करके तीसरी पोजीशन पर अपनी जगह बना लिया है। इसमें अमेरिका पहले नंबर पर और चीन दूसरे नंबर पर देखने को मिला, जबकि जापान की पोजीशन खिसक कर चौथे नंबर पर चली गई और रूस सुपर पावर होते हुए भी छठवें नंबर पर पहुंच गया। यानी कि आज के समय भारत भले ही तीसरे नंबर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन भविष्य का सुपर पावर भारत ही कहा जाएगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। आपको बता दें कि भारत ने अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दिया मेड इन इंडिया प्रोडक्शन पर, जिसमें भारत की DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, LNT और कल्याणी ग्रुप के साथ साथ भारत की कई स्टार्टअप कंपनियों ने बढ़ चढ़कर नई नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस हथियारों को डेवलप किया। हालांकि यह भारत की कंपनियों के लिए अकेले करना संभव नहीं था, क्योंकि हम लोगों के पास सभी तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए यहां पर भारत ने एक बार फिर से कूटनीति का इस्तेमाल किया और रूस, जापान, जर्मनी के साथ साथ अमेरिकी और इजरायल की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में मिसाइल,
टैंक्स और फाइटर जेट के प्रोडक्शन का काम शुरू किया, जिससे भारत के जो हथियार थे विदेशी टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन गए और साथ ही इनका प्रोडक्शन भारत में किया गया। इससे भारत की मेक इन इंडिया की ताकत को तो मजबूती मिली ही, साथ साथ इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग लागत काफी कम देखने को मिली, जिसके कारण यह भारत के लिए प्लस पॉइंट बन गया और भारत ने दूसरे देशों में अपने डिफेंस हथियारों के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। और कमाल की बात यह है कि भारत के डिफेंस हथियार बेहतरीन क्वालिटी के साथ साथ अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की अपेक्षा कम प्राइस में मिल रहे थे, इसलिए यूरोप, अफ्रीकी देश, मिडिल ईस्ट और कुछ साउथ अमेरिका के कई देशों ने भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए अपने हाथ को आगे फैलाया। इसके बाद भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ने लगा और धीरे धीरे 85 देश भारत के साथ डिफेंस हथियार खरीदने के लिए जुड़ गए। जहां पिछले एक साल में भारत के द्वारा डिफेंस एक्सपोर्ट को देखा जाए तो उसकी वैल्यूएशन लगभग 21,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें ओवरऑल रिपोर्ट में बताया गया कि 78% की ग्रोथ भारत ने एक साल में अचीव किया है। और मेन बात यहीं पर खड़ी होती है जो कि हमें समझने की जरूरत है। दरअसल जब भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ने लगा तो डिफेंस हथियार महंगे होने के कारण भारत की कमाई काफी ज्यादा बढ़ गई, जिससे चीन, रूस और जापान जैसे देशों को लगने लगा कि भारत अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लालच में डिफेंस एक्सपोर्ट पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भारत अपनी मिलिट्री पावर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि इन देशों का यह सोचना बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि सामने से तो भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर खूब ध्यान दिया, लेकिन पीठ पीछे भारत ने अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। और भारत खुद के देश में बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस जैसे ताकतवर हथियारों को खुद के लिए भी भारी भरकम मात्रा में इकट्ठा कर चुका है। और इतना ही नहीं बल्कि आज के समय में भारत 26 की संख्या में राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील ऑलरेडी फ्रांस के साथ फाइनलाइज कर रहा है, और पनडुब्बी बनाने का काम भारत की कंपनियां खुद अपने देश में कर रही हैं, जिसमें जर्मनी जैसे देशों की मदद ली जा रही है ताकि टेक्निकल प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत के पास जो INS विक्रांत नामक पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे दुनिया के टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर में गिना जाता है। और इसके अलावा भी INS विशाल और INS विक्रमादित्य नाम के दो एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम चल रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर भी खुद भारत में ही बनाए जा रहे हैं। फिलहाल भारत ने मिलिट्री पावर के मामले में तो जापान और रूस को पीछे छोड़ दिया है और तीसरे नंबर पर आ चुका है, लेकिन अभी भी भारत को मिलिट्री पावर और मजबूत करके चीन को पछाड़ने की जरूरत है। और भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए जर्मनी और जापान को पीछे करना है, जिसके लिए भारत ऑलरेडी काम कर रहा है। बाकी भारत तीसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश बन चुका है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें। और हमने न सिर्फ आपको यह बताया कि भारत तीसरा पावरफुल देश बन चुका है, बल्कि हमने यह भी समझाने की कोशिश की कि आखिर यह सब भारत ने कैसे किया। तो ऐसे में आप हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।